मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, और इस वक्त 50 रोज़ से ट्रेनों की बंदिश के सबब अपने ही शहर कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कैंट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले इसी रेलवे स्टेशन से 110 मील की दूरी पर मौजूद कोटरी स्टेशन तक ट्रेनें चलाई गई थी, जिसके दायरेकार को जल्द ही मुल्क भर में फैला दिया गया था। और उस वक्त से लेकर अब तक कभी रेलवे स्टेशन या ट्रेनें इतने तवील अरसे तक बंद नहीं रहीं और ना ही इतनी वीरानी छाई रही। मगर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जब ये ट्रेनें 15 मार्च को बंद की गईं, तो उस वक्त से न सिर्फ वीरानी छाई हुई है बल्कि ट्रेनों और स्टेशनों से वाबस्ता लोगों के घरों पर फाका कशी ने डेरे डाल रखे हैं। आज जब हुकूमत की तरफ से 10 मई से दोबारा ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है, तो इन तमाम घरों जिनकी हुकूमत, रेलवे, एनजीओस ने ट्रेनों की बंदिश के बाद कभी खबरगिरी नहीं की, के चेहरों पर इत्मीनानियत की लहर दौड़ गई है। और उन सब के लब पर बस यही दुआ है कि आइंदा ट्रेनों का पहिया कभी जाम ना हो और ये इसी तरह पटरियों पर दौड़ती रहें, ताकि किसी के घर में फाका कशी ना हो सके।